नमस्कार, प्रभास अक्षय न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल के कूचबिहार जिले के शीतलकुची में बाढ़ युक्त सीमावर्ती क्षेत्र में शुक्रवार सुबह उस समय तनाव पैदा हो गया था जब लगभग 1000 घबराए हुए बांग्लादेशी नागरिक भारत में घुसने और शरण लेने की कोशिश में बाढ़ के दूसरी ओर एकत्र हो गए। हालांकि सीमा पर कड़ी निगरानी रखने वाले सीमा सुरक्षा बल ने इस प्रयास को विफल कर दिया। सीमा सुरक्षा बल ने पुष्टि की है कि बाद में बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश यानी बीजीबी के जवानों ने बांग्लादेशियों को वहां से हटा दिया। बताया जा रहा है कि भीड़ में ज़्यादातर बांग्लादेशी हिंदू शामिल थे। वे बांग्लादेश के लाल मुनिरहाट जिले के गेंडुगुरी और दोईखवा गाँव में एक जलाशय के किनारे बाढ़ से लगभग 400 मीटर दूर एकत्र हुए थे। पठानटोली गांव में बीएसएफ की 157 बटालियन की भारी तैनाती तथा वाहनों और पैदल यात्रियों पर निगरानी रखने के कारण विदेशियों की घुसपैठ की कोशिश सफल नहीं हो पाई। हम आपको बता दें कि बांग्लादेशी लोग भारत में प्रवेश की मांग के लिए नारे लगा रहे थे। घटना के बारे में पूछे जाने पर बीएसएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की कि बड़ी संख्या में बांग्लादेशी सीमा पर एकत्र हुए थे, जिन्हें बाद में बीजीबी वापस ले गई। अधिकारी ने बताया कि बांग्लादेशी सीमा पर एकत्र हुए थे लेकिन कोई भी देश में प्रवेश नहीं कर सका क्योंकि सीमा पूरी तरह से सील थी। बाद में उन्हें बीजीबी द्वारा उनके देश में वापस ले जाया गया। इसके बाद बीएसएफ के गुवाहाटी फ्रंटियर द्वारा जारी एक बयान में इस घटनाक्रम को एक नई सीमा चुनौती बताया गया है। बयान में कहा गया है कि यह उभरती चुनौती बीएसएफ के लिए नई है। बीएसएफ को बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों से लगी सीमाओं की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया है। सीमा सुरक्षा बल के गुवाहाटी फ्रंटियर ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के कूचबिहार जिले में बांग्लादेश सीमा से भारत में बड़े पैमाने पर प्रवेश के प्रयास को सफलतापूर्वक विफल कर दिया। हम आपको बता दें कि बीएसएफ की आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार लगभग 1000 बांग्लादेशी नागरिक, जिनमें ज़्यादातर हिंदू थे, भारत में शरण लेने के लिए सीमा पर पहुंचे थे। बीएसएफ ने बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश के साथ समन्वय करके तुरंत प्रतिक्रिया दी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन लोगों को वापस ले जाया जाए। बताया जा रहा है कि अब भी पानी में कई लोग खड़े हैं और सीमा खोले जाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि भीड़ अब पहले से कम है लेकिन बीएसएफ पूरी सतर्कता बनाए हुए है। हम आपको यह भी बता दें कि सीमा सुरक्षा को लेकर मोदी सरकार बेहद गंभीर है। इस बारे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने पड़ोसी देश में मौजूदा स्थिति के मद्देनज़र भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थिति की निगरानी के लिए सीमा सुरक्षा बल के एक शीर्ष अधिकारी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है। अमित शाह ने कहा है कि समिति बांग्लादेश में भारतीय नागरिकों, हिंदुओं और वहां रहने वाले अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वहां के समकक्ष अधिकारियों के संपर्क में रहेगी। अमित शाह ने एक्स पर कहा, समिति की अध्यक्षता एडीजी सीमा सुरक्षा बल पूर्वी कमान करेंगे। हमारा गांव है गलनावाड़ी। हम लोग 9 बजे देखा, उधर से आवाज़ आया था, घास करने गया था। आवाज़ सुनने के बाद यहीं पे पहुंच गया, जाके देखी बांग्लादेश से आदमी आया, बोलता है जय श्री राम, देश में शांति चाहिए, हम लोग को गेट खोल के दो, हम इंडिया में घुसेंगे। बीएसएफ आया, बीएसएफ बोला गेट नहीं खुलेगा, आप लोग आपस चले जाओ। वो लोग मानता ही नहीं है, फिर भी बोलता है जय श्री राम, हम लोग को घुसने दो। बहुत बीएसएफ आया था, आखिर अंदर में घुस गया, थाना वाला आया, आज 9 बजे तक ड्यूटी किया। उसके बाद आदमी बहुत आया था, 1-1.5 हजार हो गया। बाद में हम लोग भी सुस्ता, सारा दिन भर वो लोग खाना भी नहीं खाया, गेट खोल देता तो इधर से पब्लिक थोड़ा बहुत खाना भी देता, वो गेट तो खोलने नहीं देगा भी ऐसे। हम लोग शाम तक देख लिया, लोग बोलता है जय श्री राम, हम लोग को घुसने दो, भी ऐसे नहीं देता है घुसने। इधर आएगा भारत का नुकसान होगा, फिर हमारा भी नुकसान होगा, खाना पीने कौन देगा उसको? मोदी सरकार देगा, हम लोग को तेल का दाम बढ़ देगा, चावल का रेट बढ़ देगा, पीएस का रेट बढ़ देगा, इसलिए वो लोग नहीं दिया घुसने। तो वो लोग जब आए, ये लोग कौन लोग थे और कौन से? हम लोग सुना था वो ढाका का आदमी है, उधर क्या हो गया शेख हसीना भाग गया इंडिया में, वो लोग बोलता है हम लोग भी जाएंगे, ऐसे बोलता है, हम लोग सुना था वहां। तो बीएसएफ उसके बाद क्या किया? बीएसएफ बोलता है आप लोग चला जाओ, यहाँ तो घुसने नहीं देगा, सरकार का अटल नहीं है, आपको घुसने देंगे? तब मानता ही नहीं है, फिर भी आज 7 बजे तक वहीं बैठा हुआ था,
थाना वाला बार बार आता है, बोलता है वो लोग को वापस कर दो। बाद में 7 बजे कहा कि अब हम लोग को मालूम ही नहीं है। इंडिया की तरफ आया क्या? नहीं आया, इंडिया का तरफ नहीं आया। वो नाला है, नाला पार के आया था। भीड़ से बहुत है ना, आने नहीं देगा। तो अभी कैसा स्थिति है? अभी क्या वो लोग है, कल आया था जैसे आप बोल रहे हैं, फिर वापस चला गया। आज क्या आपने देखा उन लोगों को? फिर आज तो देखा नहीं, वहाँ गया था, नहीं है आदमी, नहीं है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? वो लोग तो बहुत पुकार रहे थे कि हम लोग को अंदर आने दो, इंडिया आने दो, बांग्लादेश इंडिया आने दो। आप लोग क्या चाहते हैं इंडियन के हिसाब से? हम लोग चाहता है वो भी वहाँ फैसला कर, उधर भी शांति, भारत भी शांति रहेगा। इधर आएगा तो भारत का अशांति होगा, बांग्लादेश का भी अशांति होगा। बांग्लादेश का प्रधानमंत्री है, वो तो भाग गया, नूतन करके परसों बनाया। वो लोग बोलता है शांति चाहिए, तब भी ये लोग मानते नहीं है, भारत आने चाहता है। माइनॉरिटी जो पीपल है इनका ऊपर बांग्लादेश में काफी अत्याचार हो रहा है, ऐसा सुना है आपने? हम लोग तो देखा नहीं उधर, उधर तो कोई गया नहीं, कैसे सुनेंगे। तो किस लिए वो लोग इंडिया आना चाहते थे? एक आदमी वहां बोलता, बोले शेख हसीना का आदमी है, शेख हसीना भारत नहीं गया, हम लोग भी वहां जाएंगे, ऐसे बोला था। जय श्री राम, हम लोग इंडिया में जाएंगे। इसके बाद वापस चला गया। बहुत बीएसएफ आया था, बीएसएफ तो घुसने नहीं देगा, चला गया सब। आप कहाँ रहते हैं? हम लोग तो कुछ भी रहने वाला है। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद अमीनू मिया है। अरे कल यहाँ पे क्या घटना घटी थी? कल जो घटना हुई थी, हम ऐसे सुना हुआ है जब बॉर्डर पे आदमी आया था, उसके बाद हम भी आया था, सुना था ये लोग हम इंडिया जाएंगे। उसके बाद हम लोग आया, देखा, फिर बॉर्डर पे बीएसएफ भी था, ऐसे देख के हम लोग घूम के चला गया। वो लोग क्या वापस चले गए अपने देश में या इंडिया में ही चले आए, क्या देखा? नहीं, हम लोग ऐसे देखा हुआ है, वो लोग आया था हम इंडिया जाएंगे। हाँ। उसके बाद तो बीएसएफ था। हाँ। किसी बोला माने नहीं देंगे, तो उसको कट्टा हुआ था, हम लोग निकल गया यहाँ से। वो लोग फिर वापस चला गया, पता नहीं है रात में किया नहीं किया है, हम देखा नहीं है भाई। अच्छा, तो अभी आप क्या देख रहे हैं उनको, फिर से आया है वो लोग? अभी तो हम नहीं देखा है उसको। अच्छा, क्या चाहते हैं आप लोग? हाँ? आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग क्या चाहेंगे, वो तो सरकार का बात है भाई, हम लोग क्या चाहेंगे। नहीं, वो लोग अगर इंडिया आना चाहते हैं, अगर कायदे कानून से इंडिया उनको रिसीव करता है, तो आप लोग क्या कहेंगे? देखो सरकार का बात है, ये लोग इंडिया आएगा नहीं आएगा वो तो सरकार का बात है। आप लोग क्या चाहते? हम लोग तो चाहते हैं भाई वो लोग बांग्लादेश में है, उसमें रहने दो, हम लोग इंडिया में, इंडिया में रहेंगे, उसके बाद सरकार फैसला लेगा। क्यों वो लोग इंडिया आना चाहते थे, आपको क्या पता है इसके बारे? नहीं, ऐसे खबर में सुना हुआ है, ठीक है, जो बांग्लादेश में कुछ झगड़ा हो रहा है, जो सरकार गिर गया है, दूसरा सरकार बना हुआ है, पता नहीं वो लोग का साथ लोग को बन रहे नहीं बन रहे है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।